नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब तक बॉलीवुड कनेक्शन वाले एक दर्जन ड्रग्स पेडलर्स को धर दबोचा। एजेंसियों के निशाने पर बॉलीवुड की वो लेट नाइट पार्टियां हैं जिसमें सेलिब्स झूमते नजर आते थे। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत अपने फ्लैट में पंखे से लटके मिले थे। उनकी मौत को लेकर सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब को कोई फाउल प्ले नहीं मिला था। बैंड्रा स्थित फ्लैट में क्राइम सीन के रिक्रिएशन के बाद एजेंसी ने पाया कि सुशांत की मौत फांसी लगाने से हुई थी। कुल मिलाकर अब केस में ड्रग्स एंगल आने के बाद पूरा केस ड्रग्स माफिया के बॉलीवुड कनेक्शन की तरफ घूम गया है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया और उनके भाई शौविक से हुई पूछताछ में निकले ड्रग्स माफिया के लिंक दीपिका पादुकोण, दिया मिर्जा, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत, सारा अली खान जैसी ए लिस्टेड एक्ट्रेस से जुड़ रहे हैं। इस खोजबीन में बहुत तेजी से नए खुलासे हो रहे हैं और उतने ही बड़े नाम भी एक एक करके जुड़ते जा रहे हैं। बुधवार को एनसीबी ने इस मामले में दीपिका, श्रद्धा, सारा, रकुल प्रीत को पूछताछ के लिए सम्मन भी जारी कर दिया है। दूसरी ओर पेड्रिस की लीड पर बेंगलुरु से पुलिस ने 3.3 करोड़ और सूरत में 1.4 करोड़ रुपए की अलग अलग तरह की ड्रग्स पकड़ी है। सुलझा रही है एनसीबी हर दिन एक नई गुत्थी। सुशांत को केंद्र में रखकर जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी बॉलीवुड में ड्रग्स पेडलर्स की गहरी जड़ों को देखकर खुद हैरान है। कनेक्शन इतने जटिल और इतने गहरे हैं कि उन्हें दिल्ली से एक और टीम बुलानी पड़ रही है। एनसीबी ने अब एक दर्जन ड्रग्स पेडलर्स को हिरासत में ले लिया है। बीते 23 दिनों में एनसीबी ने सेलिब पेडलर्स कनेक्शन में बिचौलियों की भूमिका पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। इस कारण अब बड़े सेलिब के नाम सामने आ रहे हैं। एक तेज तरार अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि हर दिन के हिसाब में रणनीति बना रहे हैं और एक साथ बड़े नाम लाने की बजाय एक एक करके क्लू दे रहे हैं। अब तक सब मिलाकर 28 से ज्यादा किरदार। करीब 4 हफ्तों की बहुत खोजबीन के बाद एनसीबी को बॉलीवुड ड्रग माफिया में अब साफ तौर पर 3 लेयर पर करीब 28 मुख्य किरदार नजर आ रहे हैं। पहली लेयर, इसमें सबसे ऊपर सबसे पहले हुए खुलासे के हिसाब से सुशांत, रिया, शौविक, सुशांत का हाउसकीपर सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी, जया साहा और सुशांत के स्टाफ के 3 लोग हैं। दूसरी लेयर, बीच वाली लेयर में सुशांत, रिया और जया साहा के सीधे कनेक्शन वाले 7 बड़े सेलिब हैं। सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का है जो जया साहा और अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के लिंक के कारण फंसी है। तीसरी लेयर, ये सबसे नीचे वाली और ग्राउंड लेयर है। बिना चेहरे वाले 12 से ज्यादा पेडलर्स इसी में शामिल हैं। ये वही लोग हैं जो सेलिब्स को ड्रग की सप्लाई करते हैं। बताया जा रहा है कि सुशांत के हाउसकीपर सैमुअल मिरांडा और पेडलर सोहेल के बीच सीधे डील के सबूत मिल रहे हैं। एक दर्जन से ज्यादा पेडलर हिरासत में। बॉलीवुड और ड्रग सप्लायर्स के माया जाल में घिरे अभी कई बड़े नामों का खुलासा होने की संभावना है। फिलहाल 10 से 15 ड्रग्स पेडलर्स एनसीबी की हिरासत में हैं और सभी से पूछताछ जारी है। बता दें इन्हीं में से एक ड्रग पेडलर ने सोमवार को शाम दिया मिर्जा के नाम का खुलासा किया था। ये सभी पेडलर्स ऐसे शातिर अपराधी हैं जिनका बॉलीवुड के बड़े सेलिब की पार्टियों में आना जाना लगा रहता था। बीते दिनों में एक ऐसे ही पेडलर ने टीवी चैनल को बताया था कि ड्रग्स की बात आप लोगों को खास और अजीब लग रही है, लेकिन बॉलीवुड में तो ये बहुत ही आम बात है। मशहूर और ए लिस्टर सेलिब पार्टियों में ड्रग्स लेते हैं और आप देख सकते हैं कि वे ड्रग्स में झूमते हुए निकलते हैं। रिया शौविक की चैट सबसे बड़ा सुराग। सुशांत और उनसे जुड़े ड्रग्स मामले की जांच देश की सीबीआई, ईडी और एनसीबी जैसी टॉप एजेंसियां कर रही हैं। इसी के चलते नित नए खुलासे हो रहे हैं। रिया और उनके भाई शौविक की चैट में ड्रग्स की बात सामने आने के बाद से तो लगभग पूरे बॉलीवुड का ही ड्रग्स कनेक्शन से सीधा मामला जुड़ गया है। एनसीबी की रिया से पूछताछ में ही श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के अलावा ड्रग्स पेडलर्स अब्दुल बासित, जैद विलांत्रा के नाम सामने आए हैं। अब पेज 3 और फैन पार्टियों के शौकीन कई बड़े नामों का खुलासा होने के भी संकेत मिल रहे हैं। इसमें बॉलीवुड के अलावा अन्य क्षेत्रों के सेलिब्रिटीज के नाम भी शामिल हो सकते हैं। जया साहा पेडलर्स और सेलिब के बीच की कड़ी, रिया और सुशांत की टैलेंट मैनेजर जया साहा और ड्रग्स चैट सामने आने के बाद
हर उस बड़े सेलिब की नींद हराम हो गई है जो जया के संपर्क में रहा है। जया की ड्रग्स चैट में कई सेलिब्स को डिप्रेशन दूर करने के लिए ड्रग्स नुस्खे बताने की बात सामने आ रही है। बॉलीवुड की दिग्गज क्वीन मैनेजमेंट कंपनी में काम करने वाले जया साहा की ड्रग्स चैट में फिलहाल श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण, करिश्मा प्रकाश, निर्माता शिरोडकर, मधु मंटेना के नाम भी सामने आ चुके हैं। इन सब में दीपिका का फंसना हैरान करता है क्योंकि कहीं न कहीं उनके डिप्रेशन में भी ड्रग्स एडिक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश से उनके करीबी रिश्ते जग जाहिर हैं और करिश्मा का जया साहा से कनेक्शन दीपिका को परेशानी में डाल सकता है। दीपिका ने गोवा में करण जौहर की फिल्म में शूटिंग रोकी। ड्रग्स चैट वायरल होने के बाद दीपिका चुप है। हाल ही में वे करण जौहर के प्रोडक्शन वाली अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के लिए गोवा पहुंची थी, लेकिन अब अनटाइटल फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है। दीपिका ने पिछले हफ्ते सिद्धार्थ चतुर्वेदी और अनन्या पांडे के साथ शूटिंग शुरू की थी। इस फिल्म का डायरेक्शन शकुन बत्रा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले करण जौहर भी माँ और बच्चे के साथ गोवा पहुँचे थे। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।